नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। नशे की लत को पूरा करने के लिए करता था बाइक चोरी का काम। दुर्गा पूजा के दिन दो बाइक की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। तीन युवकों का यह गैंग जो आज सलाखों के पीछे पहुंच गया और इनके पास से बोकारो के सिटी थाना पुलिस ने दो बाइक भी बरामद कर ली। दरअसल बोकारो पुलिस इन दिनों बाइक चोरी की घटना से परेशान है, जहाँ बाइक चोरी की घटना लगातार होने से बोकारो पुलिस भी अब पूरी तरीके से अलर्ट है। पिछले दिनों बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के बाइक चोरी की घटना लगातार बढ़ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने एक SIT का गठन कर जगह जगह छापेमारी शुरू की। पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर एक बाइक चोर आदित्य कुमार उर्फ बबन का पता चला, जहां चार थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी से उसे हिरासत में लिया गया। पूछताछ के क्रम में उसने दो और साथियों का नाम बतलाया, जिसमें अनिल कुमार उर्फ रोहित और रवि कुमार जो सेक्टर 1 का रहने वाला है। पुलिस ने इन लोगों के घर से दो बाइक बरामद किया, जो दुर्गा पूजा के दिन सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 2C के मेले से चोरी हुआ था। पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में तीनों आरोपियों को दो बाइक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सिटी थाना प्रभारी दुलर चौड़े ने कहा कि तीन बाइक चोर को दो बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है, साथ ही इस पूरे प्रकरण में जांच जारी है। उन्होंने कहा कि यह नशे के आदि हैं और नशे के चलते बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। BS सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत बहुत पहले से ही जो है बाइक चोरी की लगातार घटनाएं बढ़ रही थी। उसमें बहुत पहले ही हमारे SP महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें सभी अपने अपने थाना क्षेत्र से कुछ पदाधिकारियों को शामिल करके एक छापामारी टीम गठित हुआ था, जिसमें उस टीम का काम था ये बाइक चोरी की घटना को रोकना एवं उसका उद्भेदन करना। उसी में हम लोग के द्वारा कई जगहों पर गुप्तचर भी रखे गए थे और CCTV फुटेज का भी हम लोग के द्वारा लगातार अवलोकन किया जा रहा है। उसी में ही गुप्तचर के द्वारा पता चला है कि एक बबन नाम का एक लड़का है जो बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहा है। उसी में हम लोग के द्वारा जो है बबन, जिसका घर आदर्श पुनर्निचास में है, उसके घर पर हम लोग ने छापामारी की, तो उनके घर पर सिटी थाना क्षेत्र से चोरी किया गया एक बाइक बरामद हुआ। उनके द्वारा बताया गया पूछताछ में कि उनके दो और दोस्त हैं, जो कि एक सेक्टर 1C का रहने वाला और एक M2 का रहने वाला, दोनों सभी लोग मिलकर बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। चूँकि लोग दोस्त हैं और नशा के लिए ही लोग बाइक चोरी के काम करते हैं। बाइक चोरी करने के बाद ये लोग के द्वारा, चूँकि अभी तक मैं किसी ग्राहक की तलाश में थे, जिसके कारण बाइक इनके पास मिला, इनके निशानदेही पर हमने और एक बाइक बरामद किया गया है। तीनों को गिरफ्तार करके हम लोग जेल भेज रहे हैं। ये लोग कोई खास काम नहीं करते हैं। ये लोग का जैसे कहना है कि बीच बीच में इन लोग के द्वारा नशाबाजी किया जाता है। इन इस कमी को पूरा करने के लिए ये बाइक चोरी। वी टाइम न्यूज़ के लिए बोकारो से अनिल कुमार की रिपोर्ट।